आज मैं एक नया बीप बैंड बना रही हूँ कान्हा जी के लिए, कॉटन के कपड़े से, गर्मी के लिए जो बहुत ही अच्छे रहेंगे। तो इसका मेज़रमेंट मैं दिखा रही हूँ, 4.5 इंच ब्रेथ और लेंथ है 8 इंचेस। तो ये पैंट के लिए, तो इसको मैं पहले ऊपर और नीचे तरफ सिलाई कर रही हूँ। ऊपर थोड़ा चौड़ा रखूँगी, अंदर इलास्टिक या धागे डालने के लिए। तो ऊपर का हेम सिलाई करना है फोल्ड करके थोड़ा सा, तो सिलाई करके दिखा रही हूँ। फ्रेंड, मेरे यह चैनल है जो सारे क्राफ्ट के वीडियो मैं डालते रहती हूँ। अभी कान्हा जी के ड्रेस बना रही हूँ, पहले बहुत सारा फ्लावर क्राफ्ट और भी बहुत सारा पेस्ट आउट ऑफ वेस्ट सारे क्राफ्ट है, आप देख सकते हैं। तो आप कौन सा क्राफ्ट देखना पसंद करते हैं वो भी बताइएगा। फ्रेंड, अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आने वाले सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो मेरा ये ऊपर का हेम सिलाई हो गया, अब इसका नीचे भी हेम सिलाई करूँगी। तो मैं दिखा रही हूँ पैंट बनाने के लिए कैसे फोल्ड करना है, तो पहले हेम सिलाई करके बाद में बता रही हूँ। देखिए, इस तरह कटिंग हेम सिलाई करना है। आगे का नीचे का हेम सिलाई करके बताऊंगी। तो नीचे थोड़ा छोटा या पतला हेम सिलाई करना है, उतना चौड़ा नहीं लेना है ऊपर की तरह। ऊपर में 1/2 इंच चौड़ा ली हूँ, नीचे बहुत ही पतले हैं, क्योंकि उसका कोई ज़रूरत नहीं है ज़्यादा चौड़ा लेने का। तो पतला सा मैं फोल्ड करके उसमें हेम सिलाई करके दिखा रही हूँ। तो दोनों तरफ हेम सिलाई मेरा हो गया। फ्रेंड, ये देखिए, आप और भी अच्छा फिनिशिंग कर सकते हैं। मैं थोड़ा थोड़ा खराब फिनिशिंग भी की हूँ, लेकिन कोई बात नहीं, क्योंकि ऊपर से लेस लगेंगे तो पता नहीं चलेगा, लेकिन आप मशीन से करेंगे तो फिनिशिंग ज़्यादा अच्छा आएगा। हाथ से भी अच्छे होते हैं, बस आप कैसे करेंगे उस पर डिपेंड करता है। तो मैं जानती हूँ लेस लगाऊंगी, इसलिए मैं थोड़ा रफ ही की हूँ, क्योंकि ऊपर से दिखेगा नहीं। अब पैंट के दोनों बीच में काट के अब दोनों अलग अलग से दोनों पैरों के लिए सिलाई कर लेना है। देखिए मैं कैसे सिलाई कर रही हूँ। तो दोनों पैंट का मजबूती से सिलाई कर लेना है। अब कुछ और कप क्लोथ्स लेना है, फैब्रिक जिसका मेज़रमेंट मैं बता रही हूँ, बीब के लिए और पीछे के ये के लिए बेल्ट के लगाने के लिए, पीछे में अटैच करूँगी। इसके लिए जो क्लोथ्स ली हूँ उसका मेज़रमेंट मैं दे दी हूँ, ओ मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिख दूंगी। अब दोनों को सिलाई कर लेना है फोल्ड करके, और फिर पेंसिल से उल्टा कर देना है। तो मैं कैसे पेंसिल से उल्टा कर रही हूँ, देखिए फ्रेंड, सिलाई अंदर रहेगा, देखने में अच्छा लगेगा। थोड़ा सा हाथ से निकाल के उसके बाद पेंसिल डाल के उसको उल्टा कर देना है।
तो दोनों उल्टा कर ली हूँ, ये इसका एक का हो गया और एक का हो गया। तो दोनों उल्टा करके अंदर सिलाई रह गया, तो दो इस तरह बना पीछे के लिए, ये बीब को बांधने के लिए। अब ये बीब जो बड़ा चौड़ा बीब है उसका 4 इंचेस ब्रेथ और 5 इंचेस लेंथ है, जो मेज़रमेंट दिखा रही हूँ 3 नंबर कान्हा जी के लिए। अब चारों तरफ से इसको फोल्ड करके सिलाई कर लेना है, हेम सिलाई करना है। तो इस तरह मैं सिलाई करके दिखा रही हूँ। तो फ्रेंड, अगर आप पहले से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं तो इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद मुझे सपोर्ट करने के लिए, कि आपके सपोर्ट के बिना मैं कभी आगे नहीं बढ़ सकती। इसलिए आप मुझे जितना हो सके सपोर्ट करिएगा फ्रेंड। और अगर आपको मेरे चैनल में कुछ जानना है तो वो भी कमेंट करके बताइएगा, कौन सा क्राफ्ट देखना पसंद करते हैं। तो ये बीब अब मैं अटैच करूँगी। चलो, पहले इसका कमर के लिए मैं थोड़ा सा कॉटन का पतला फैब्रिक पिन से अंदर डाल के रख दे रही हूँ, ताकि कमर में फिटिंग्स के लिए कान्हा जी को अच्छा हो सके। यहाँ पर आप इलास्टिक भी डाल सकते हैं, वो और अच्छे लगेंगे, लेकिन मेरे पास फ़िलहाल इलास्टिक नहीं है, इसलिए मैं कॉटन के फैब्रिक पतले से डाल के रख दे रही हूँ। इसमें पिन भी अटैच करके रखी हूँ, बाद में हटा दूँगी क्योंकि अभी सिलाई करना बाकी है। अब ये बीब जो है उसको अटैच करना है सामने, चौड़ा वाले और पतले वाले दोनों साइड कैसे मैं अटैच करती हूँ, सिलाई करती हूँ, वो भी मैं दिखा रही हूँ। सुई धागों से हेम सिलाई करना है बाहर, ताकि दिखे नहीं। तो धीरे धीरे मैं इसका हेम सिलाई करूँगी। पहले रफ़ सिलाई कर लेना है, फिर हेम सिलाई करके और रफ़ सिलाई खोल के फेंक देना है, ताकि वो ख़राब ना लगे। तो ये हो गया, इधर भी सिलाई करना हो गया, इधर भी। अब दोनों तरफ सिलाई करने के बाद आप इसको पीछे जो दो फैब्रिक है वो बीब के साथ अटैच कर रही हूँ, दोनों पैंट के दोनों तरफ लगाना है। तो कैसे मैं सिलाई कर रही हूँ दिखा रही हूँ फ्रेंड, इस तरह आपको सिलाई कर देना है, धीरे धीरे अच्छे से करना है। पहले रफ सिलाई कर लीजिएगा, बाद में उसे अंदर से मजबूती देने के लिए बहुत सारा सिलाई डाल दीजिएगा। तो दोनों बीब लगाना, मेरा सामने का बीब लगाना हो गया और पीछे तरफ दो उसको बीब को अटैच करने के लिए पहनने के लिए दो और कॉटन के फैब्रिक अटैच कर रही हूँ इस तरह। आप यहाँ पर बटन भी लगा सकते हैं दोनों तरफ दो, लेकिन मैं यहाँ पर सिलाई कर दूँगी। अब बटन लगा के इसको भी बहुत सुंदर लगते हैं, तो वहाँ पर थोड़ा होल करना पड़ता है। तो ये मेरा बन गया बीब पैंट। अब इसको इस पर मैं गोल्डन लेस लगा रही हूँ। तो मैं लेस लगा के सिलाई करके दिखा रही हूँ फ्रेंड, देखिए। तो ये गोल्डन लेस एक पैर में लगेगा, दोनों पैर में ही लगाऊंगी, कमर में लगा चुकी हूँ और ऊपर में जो बीब है उस पर भी मैं, मेरे पास ये लेस था ये लगाई। आपके पास जो रहेगा वो लगा सकते हैं, बाज़ार से ख़रीद भी सकते हैं, बहुत अच्छे अच्छे मिलते हैं। मेरे पास जो था उसी से बनाई। ये जो सिलाई दिख रहा है वो दिखेगा नहीं, क्योंकि वो उसको मैं बाद में कटिंग कर दूँगी, वो रफ़ सिलाई है। तो ये पैंट बनाना मेरा हो गया फ्रेंड, आपको कैसे लगा बताइएगा। और ये बहुत ही आसान है, आप भी बना सकते हैं, बहुत सुंदर भी लगते हैं, क्यूट सा, बहुत सुंदर।
और गर्मी के लिए बहुत ही अच्छे और परफेक्ट ड्रेस है कान्हा जी के लिए। तो आप भी इस तरह बना के देखिएगा, बहुत जल्दी बन जाते, बहुत आसान है। तो आज इतना ही, फिर एक नया वीडियो लेके बहुत जल्दी आऊँगी। तब तक के लिए धन्यवाद फ्रेंड, थैंक यू।